श्री हरिं परमानंद मुपदिष्टा रमेश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहं। आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज पुनः एक बार फिर से हम सभी पूज्य भाई श्री के दरबार में पहुँचे हैं, और जैसे पिछली बार हम सभी ने पूज्य भाई श्री के श्री चरणों में हमारे कुछ प्रश्न, हमारे मन की भीतर की कुछ जिज्ञासाएं रखी थी, उसी तरह से आज भी हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है। आज पुनः एक बार पूज्य भाई श्री ने हम सभी को समय प्रदान किया है, और समूचे विश्व के सभी श्री हरि के प्यारे भक्त हमसे जुड़ गए हैं, और आप सभी अपनी जिज्ञासाएं पूज्य भाई श्री के श्री चरणों में रख सकते हैं, और आपकी जिज्ञासाओं के उत्तर हमें पूज्य भाई श्री से प्राप्त होने वाले हैं। पूज्य भाई श्री, सर्वप्रथम समग्र विश्व में फैले हुए हमारे संस्कृति परिवार, सांदीपनी परिवार और हमारे श्री हरि के सभी प्यारे भक्तजनों की ओर से आपके श्री चरणों में प्रणाम। सभी को जय श्री कृष्ण। हम सभी बड़े ही कृतज्ञ हैं। हम सभी के पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आपके इतने व्यस्ततम समय में से कुछ समय निकालकर आप सभी जिज्ञासु भाइयों बहनों के, साधकों के, जो अध्यात्म के साथ अपनी यात्रा कर रहे, जुड़े हुए हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हैं, तो हम कृतज्ञतापूर्वक पुनः प्रणाम निवेदन करते हैं और आपकी आज्ञा के साथ हम आरंभ करें। एक साधक का प्रश्न है, परा और अपरा विद्या में अंतर क्या है? क्या अपरा विद्या जरूरी है परा विद्या पाने के लिए? परा विद्या मानसिक रोग में कैसे मदद कर सकती है? ऐसा एक साधक का प्रश्न है। आइए सुनते हैं जवाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, और आपकी जिज्ञासाओं का भी स्वागत। ऐसा कहा गया है, द्वे विद्ये वेदितव्ये परा अपराच। दो विद्याओं को जानना चाहिए, परा और अपरा। परा विद्या ही परमात्मा से संबंधित है, अध्यात्म से संबंधित है, लेकिन आध्यात्मिक विकास हम जिसके माध्यम से करते हैं, वो साधन रूप मिला हुआ जो शरीर है, उसके पोषण और शरीर की यात्रा चलती रहे, उसके लिए जितनी आवश्यक बातें हैं वो भी सीखना जरूरी है। अतः जीविका की शिक्षा भी उतनी ही आवश्यक है, और जीवन की शिक्षा भी जरूरी है। उसको अलग अर्थ में कहा जाए तो विद्या और कला, ये दो विभाग रहते थे पुराने समय में भी गुरुकुलों में, और विद्या विभाग में जीवन से संबंधित शिक्षा प्रदान करी जाती थी, और कला विभाग में जीविका, आजीविका से संबंधित, तुम्हारे व्यवहार जगत से संबंधित जो बातों को सीखना जरूरी है वो सिखाया जाता था। तो व्यक्ति को परा और अपरा दोनों विद्या को प्राप्त करना चाहिए। ये जो उपनिषद है, वेदांत है, ये सब परा विद्या के अंतर्गत आते हैं, और वेदों का जो कर्म से संबंधित भाग है, वेदांग जो है, शिक्षा, न्याय इत्यादि, ये भी अपरा विद्या के अंतर्गत भी उसको आप मान सकते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो आजीविका से संबंधित जो बातें हैं वो सीखना ये अपरा विद्या है, और परमात्मा से और अध्यात्म से संबंधित जो बातें हैं उसको सद्गुरु से समझना ये अति आवश्यक है। तो इन दोनों विद्याओं का हमें ज्ञान होना चाहिए, दोनों विद्याओं को प्राप्त करना चाहिए, और इसलिए हमें गुरुजनों के पास जाकर के उनकी सेवा करके, हमारे यहाँ ये भी कहा गया है कि गुरु शुश्रूषया विद्या, विद्या प्राप्ति के कई साधन है, उसमें गुरु शुश्रूषा से प्राप्त विद्या, ऐसा भी कहा गया है। और क्या बताया है, रोगों में कैसे परा विद्या,
देखो चिंता को हम मानसिक रोग ही कहेंगे, वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा फिक्र करना ये एक प्रकार से मानसिक रोग ही है। अतिशय ज़्यादा चिंता करना, अतिशय ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा सोचना, ये भी मानसिक स्वास्थ्य नहीं कहा जाएगा। तो पराविद्या क्या कहती है कि भाई भगवान में भरोसा रखो, ठाकुर जी जो करेंगे वो आप यदि परमात्मा के प्रति समर्पित है तो हरि ही शम करिष्यति। पुष्टि परंपरा में भी ये कहते हैं कि चिंता कापि न कार्या निवेदितात्मभिः कदापिति भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीं च गतिम्। तो भगवान अपने भक्त का कभी अहित नहीं होने देते। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, गीता में भी भगवान ये वचन कह करके अपने भक्तों को आश्वस्त करते हैं। अच्छा कोई गलती हो गया, कोई पाप हो गया तो भी भगवान कहते हैं हर पाप का प्रायश्चित है, हर गलती को सुधारने का अवकाश है, और कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान न हो। इसलिए शोक न करो, चिंता न करो। अंत में भगवान ने गीता में यही कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो शोक मत कर, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अतः पाप के लिए पश्चाताप तो होना चाहिए, लेकिन एक बार वो पश्चाताप में उसकी अग्नि में पाप जलकर राख हो गए तो फिर बार बार उसी पापों को बार बार संभारण याद करना और स्वयं को कोसते रहना ये भी ठीक नहीं है। इसको भी एक मानसिक अस्वस्थता ही कहेंगे। जब भगवान की शरण में हम आ गए हैं और भगवान के नामोच्चारण मात्र से सब दोषों का नाश हो जाता है तो हम भगवान में भरोसा करें, भगवान के नाम में भरोसा करें। आपको अपने पाप में भरोसा हो और परमात्मा में भरोसा ना हो ये तो कैसा लगता है। पाप मुझे डुबाएंगे, पाप मुझे नरक में ले जाएंगे ये वाला पक्का भरोसा हो, लेकिन परमात्मा का नाम मुझे तारेगा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जो श्रीमद् भागवत के अंत में कहा गया है। तो भगवान के नाम में हमको ज़्यादा भरोसा होना चाहिए। भगवान की तारने की जो शक्ति है, क्षमता है, भगवान की कृपा शक्ति है, उसमें हमारा विशेष भरोसा होना चाहिए। कुल मिलाकर भक्ति के पथ पर चलने का तात्पर्य है परमात्मा में विश्वास, परमात्मा के नाम की शक्ति में विश्वास। बिन विश्वास भक्ति नहीं। और ये वाली भक्ति, ये वाली पराविद्या, ये वाली अध्यात्म विद्या जो कि भगवान का ही स्वरूप है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम भगवान कहते हैं, वो जिसको प्राप्त हो गई तो फिर वो फिक्र नहीं करता, वो चिंता नहीं करता, न फिर कोई चाह रहती है न चिंता रहती है। चाह गई चिंता गई, मनवा बै परवा, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। तो इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ हम भगवान की पराभक्ति में आगे बढ़ते रहे और वो वाला मानसिक रोग चला गया। तो चिंता के चलते ही अन्य सारे रोग हैं, तो हम तन से और मन से दोनों से स्वस्थ हो सकते हैं। पूज्य भाईशी, एक और साधक का प्रश्न है, हम भगवान को अपने अंदर कैसे देख सकते हैं? परमात्मा सबके भीतर भी है और परमात्मा सबके बाहर भी है। आप लोग कथा में सुनते ही हैं जो व्यासपीठ से कहा जाता है कि सबके भीतर भी भगवान है, सबके बाहर भी भगवान है। अंतर बहिर अवस्थितम, सिवाय परमात्मा के कोई जगह है ही नहीं, लेकिन सब कुछ परमात्मा के भीतर है, भगवान से बाहर कुछ भी नहीं हो नहीं सकता। परमात्मा से अतिरिक्त, परमात्मा से भिन्न और कोई अस्तित्व ही संभव नहीं है। पुरुष एवेदम सर्वम, ये वेद कहते हैं। तो परमात्मा के भीतर ही सब है, परमात्मा के बाहर कुछ नहीं है।
लेकिन हम सबके भीतर भी भगवान है और हम सबके बाहर भी भगवान है। तो भीतर भगवान को कैसे देखें? श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंद में प्रथम दो अध्याय जो है वो ध्यान प्रकरण है, और उसमें हम लोगों ने कई बार चर्चा करी है व्यासपीठ से कि स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान की विधि बतलाया गया है। तो ये जो कुछ भी है ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है, ऐसी धारणा करना, ये स्थूल ध्यान हो गया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, सब में परमात्मा को ही देखना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। या नेकलेस में ही भी सोने को देखो, और कंगन में भी स्वर्ण को देखो, और करधनी में भी स्वर्ण को देखो, और कान की बूटी में भी स्वर्ण को देखो, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है या कौन सी कठिन बात है? वास्तव में स्वर्ण ही है सब, ये स्वर्ण के ही विभिन्न रूप हैं। बस उसी तरह मेरे परमात्मा के ही ये सब विभिन्न रूप है। ये वाली जो वेद प्रदत्त समझ है, गुरु प्रदत्त ये जो शिक्षा है, ये एक बार स्थिर हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से सर्वत्र हरि दर्शन होता है, और अपने हृदय में भी केचित् स्वदेहांतर हृदय अवकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। आंख बंद करके शांति से बैठना चाहिए और अपने भीतर भगवान को देखने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा कहूँगा तो ठीक है, शुरुआत में आप ऐसा करो, अपने हृदय में नारायण का, चतुर्भुज स्वरूप का, भगवान के आयुधों का ध्यान करो, क्योंकि चतुर्भुजम कंज रथांग शंख आदि सबके साथ भगवान के ध्यान की बात है। लेकिन ऐसा करते करते एक जो विचार शून्य स्थिति हो जाए या संकल्प विकल्प रहित स्थिति हो जाए तो आप मन के पार हो गए, ऐसा समझना चाहिए। और तब एक जो शांति और आनंद पूर्ण स्थिति होती है, जहाँ हम कुछ भी नहीं करते, हम केवल एक साक्षी मात्र बने रहते हैं, वो भी एक जो स्थिति है, तो आप समझो कि आप परमात्मा के सन्निकट ही हैं। तो दोनों प्रकार से इस प्रकार अपने हृदय में अपने भीतर भगवान का ध्यान करने का भाव है। पूज्य भाई श्री, आप अपने अमूल्य और व्यस्ततम समय में से समय निकालकर इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, और एक प्रवाह चल पड़ा है प्रश्नों का। उसमें से एक प्यारा सा प्रश्न हम उठाते हैं। एक साधक बहन पूछ रही है, पूज्य भाई श्री आपके श्री चरणों में प्रणाम। पहले तो मैं मंदिर बहुत जाती थी, मैं मंदिर में घंटों वहाँ बैठना भी अच्छा लगता था, पर अब कुछ ऐसा हुआ कि घर में मंदिर में ठाकुर जी की सेवा करने को जी चाहता है। पूज्य भाई श्री के ही दिए हुए लक्ष्मी नारायण है, शालिग्राम और शिवलिंग है, तो लगता सब इसमें आ गया, पर फिर भी सब लोग पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं मंदिर भी जाना चाहिए, वहाँ जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए, भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहिए। जो घर पे करते क्या उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? क्योंकि मेरा मंदिर जाने को मन नहीं करता। जो करने से हमारा मन भगवान में लगता है बस वो करो। मुख्य बात यह है कि तीर्थों में जाने से भगवान में मन लगता है तो तीर्थों में जाओ, यात्रा करो, भगवान का दर्शन करो तीर्थों में जाकर के, मंदिरों में, वहाँ जाकर के पूजा करो, अभिषेक करो। लेकिन इन सब पूजा इत्यादि साधनों के माध्यम से हमारा उद्देश्य तो मन को भगवान में लगाने का है। तो यदि उसमें आपको आनंद नहीं आ रहा है, मंदिर जाने का मन नहीं हो रहा है, तो ये भी ठीक है, धीरे धीरे आप अंतर्मुख होते चले जाओ। वही वाली बात जो अभी भी बताया था कि स्थूल ध्यान से सूक्ष्म ध्यान की ओर चले आओ। जैसे श्रीमद् भागवत में भी जो प्रारंभ बताया है साधन का, तो पहले तीर्थयात्रा, तीर्थयात्रा के बाद फिर पूजा इत्यादि,
तीर्थ में रह करके भजन करने वाले संतों का संग और उस सत्संग से हमारी रति भगवान में हो जाए तो फिर तीर्थ से मूर्ति हम ले आते हैं अपने घर पर और घर पर फिर पूजा पाठ और सद्गुरु से प्राप्त यदि हो तो मंत्र उसका जाप इत्यादि करते रहते हैं तो धीरे धीरे हम अंतर्मुखी होते हैं और घर में भी पूजा पाठ करते करते एक समय ऐसा भी आएगा कि उस पूजा पाठ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाथ से माला भी यदि गिर जाए तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं, प्रोवाइडेड कि तुम सो न जाओ, प्रोवाइडेड कि तुम मन से इधर उधर ना भटको। इसलिए हम जप कर रहे हैं आंख बंद करके और मन यदि भटक गया तो आंख खोल लो, खुली आंख से जप करो। कभी कभी ये भी एक सहायक हो जाता है कि सामने आप अपने इष्ट का स्वरूप या तो मंत्र को अपने कमरे में रखो और उसका दर्शन करते हुए जप करो, फिर मन भटकेगा अगेन तो फिर आंख बंद कर लो, आप क्रिया को चेंज कर लो। मन को जो भटक गया है उसको वापस बुलाने का ये भी एक उपाय है कि उस समय आप अपनी क्रिया को चेंज कर लो, बदल लो, तो आंख बंद कर लो और फिर से अपने हृदय में भगवान को देखो। तो कुल मिला के बात यह है कि मन भगवान में लगना चाहिए और उसके लिए यदि आप घर पर बैठ करके भी भगवान के स्वरूपों की पूजा करते हैं ये भी अच्छी बात है। और बाहर मंदिर में जाने जाना अच्छा है, अच्छा लगे तो ऐसा भी करो, लेकिन ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। ऐसे कई महापुरुष हैं जो बिल्कुल अंतर्मुख कहीं जाते ही नहीं, हम दिल के हुजरे में कैद हुए कहीं और न आते जाते हैं, वो वाली स्थिति होती है। मुख्य बात यह है मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। ये भगवान ने जो गीता में कहा है हमारा मन और बुद्धि ये दोनों भगवान में लगे रहना चाहिए। नारायण। पूज्य भाई एक साधक पूछ रहे हैं गुरुदेव कृपया जरूर हमारी जिज्ञासा को पूर्ण करें। भगवान नाम जप, माला जप, भगवान कथा श्रवण, कथा और देव पूजन कर्मकांड, इन सब में से हम संसारी के लिए सबसे अच्छा क्या है? फिर से वही बात, जिससे तुम्हारा मन ईश्वर में लगे, जिससे तुम्हारा मन शांत हो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। सभी साधन सभी के लिए श्रेष्ठ ही हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। जैसे भोजन भोजन है और शरीर के पोषण के लिए और जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, लेकिन सभी को सभी प्रकार का भोजन अच्छा लगे ये जरूरी नहीं, आवश्यक भी नहीं, पर ऐसा नहीं होता है। सबकी रुचि अलग अलग होती है, तो रुचि नाम वैचित्र्याद्रुजुकुटिल नाना पथ जुषा नृणामे को गम्यस, वो पुष्पदंत जो कहते हैं, तदनुसार आपके लिए जिसमें रुचि बने और जिससे आपका मन भगवान में लगे उस साधन को अपनाओ। बात रही कि गृहस्थ के लिए क्या उचित है, तो एक बात तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया ही है, यही कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिर गाय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। तो कथा श्रवण भी एकदम सरलतम और श्रेष्ठतम उपाय है, कथा भी बारहों महीना नहीं मिलती और मिले तो भी बारहों घंटा या हम नहीं सुन सकते, तो थोड़े समय सत्संग किया और सत्संग का तो महिमा ऐसी है कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तो बाकी वाले समय में बोले नाम जप करो, भगवान के नाम का आश्रय करो। कलिकाल में यही कलिकाल कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा,
नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको राम नाम अवलंबन एको। तो गृहस्थ लोगों के लिए ये सबसे सरलतम और श्रेष्ठतम उपाय है। कभी कभी क्या होता है, जो सरलतम होता है वो श्रेष्ठतम नहीं होता, और जो श्रेष्ठतम होता है तो फिर उसमें बड़ी कठिनता होती है, वो सरल नहीं होता। लेकिन भगवान नाम ये सरलतम भी है और श्रेष्ठतम भी है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में, यानी कथा के एकदम उत्तरार्ध में, वहाँ पर श्री सुखदेव जी ने कली के अनेक दोषों को दर्शाया, बताया, उसके बाद भगवान नाम के महिमा को गाया है। और कलिकाल में भगवान नाम से जीव के कल्याण की बात हुई है। तो अच्छा, नाम जपता, ये वो केवल वो तोते वाली रट की बात नहीं है। इसका तात्पर्य है कि भगवान का स्मरण सतत रहे। ये भी जरूरी नहीं कि आप हाथ में माला लेकर के 3-4 घंटा बैठो। आप गृहस्थ हो, अपने घर का काम करते रहो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते करते भगवान नाम स्मरण का तात्पर्य है कि निरंतर परमात्मा का स्मरण रहे। वो कहते हैं ना, जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। तो पूज्य डोंगरे जी महाराज भी ये कहते थे कि अंते याने जीवन के अंत में ही नहीं, क्षणस्य अंते। इसका तात्पर्य है कि सातत्य रहे, स्मरण बना रहे। और ये कब होता है, बोले जब प्रेम होता है तो प्रेम में भी स्मृति नहीं होती है, स्मरण बना रहता है। और जब परमात्मा का निरंतर स्मरण बना रहता है तो वास्तव में हमारा कार्य वो कभी गलत नहीं हो सकता, हमारी गति कभी गलत मार्ग पर हो नहीं सकती, हमारा चिंतन कभी गलत नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से हमारी प्रत्येक क्रिया जो है वो परमात्मा की पूजा बनेगी। तो नाम स्मरण का और भगवत स्मरण का एक तात्पर्य ये भी है। जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, माम अनुस्मर युद्ध्य च। तो संसार में भी संघर्ष करते हुए, और संघर्ष का मतलब लड़ाई झगड़े से ही नहीं है, मैंने कई बार ये कहा है कि ये जो हम सांस ले रहे हैं ना, वो भी संघर्ष है, मृत्यु के साथ हमारा संघर्ष है। तो निरंतर हम संघर्ष करते रहें, कर्म करते रहें भगवान का स्मरण करते हुए। तो नाम जप से तात्पर्य है भगवान का स्मरण। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छताभयम्। उससे व्यक्ति संसार के भय से मुक्त हो जाता है, और जैसे ही संसार के भय से मुक्त हो गया तो जीवन में शांति, और जीवन में शांति है तो वही आदमी सही अर्थों में सुखी हो जाता है। तो कलिकाल में तो सबसे सरलतम और श्रेष्ठतम उपाय हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए यही है, ईश्वर का स्मरण करते रहें, सदा सत्य और धर्म के पथ पर चलते रहें और अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन करते रहें। पूज्य भाईशी, हमें बताते हुए बड़ा ही आनंद हो रहा है, हमारे विविध प्लेटफॉर्म पर अभी 3200 से ज़्यादा पूरे विश्व के सभी साधक भाई बहन जुड़ गए हैं। और दूसरा आनंद ये भी है कि एक ही प्रश्न के उत्तर में कई सारे भक्ति परक जो प्रश्न है, कई साधकों के ज्ञान परक प्रश्न है, कई साधकों के वैराग्य परक प्रश्न है, तो उन सभी के उत्तर भी एक ही प्रश्न के उत्तर से हमको प्राप्त हो रहे हैं। पर एक अभी एग्ज़ाम चल रही है बच्चों की पढ़ाई, तो किसी साधक का प्रश्न है कि पूज्य भाई श्री प्रणाम, अभी पढ़ाई के चलते कथा श्रवण का लाभ नहीं मिल पाता, तो हम कथा और प्यारे से जुड़े रहने के लिए क्या कर सकते हैं, कृपया बताएं। सही बात है। देखो प्यारो, सबसे पहले तो जिन जिन का एग्जामिनेशंस चल रहे हैं उन सब के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, और ये प्रार्थना कि आप सब लोग एकदम टेंशन मुक्त होकर के परीक्षा दें,
अपने में भरोसा, ईश्वर की कृपा में भरोसा और अपनी स्टडी में भरोसा, ये होना चाहिए। यहाँ पहले सिखाया जाता है, बाद में एग्जाम लिया जाता है, और फिर जब जीवन में हम प्रवेश करते हैं तो जिंदगी परीक्षा लेती है और हमको कुछ सिखाती है। पग पग पर हमारी परीक्षा होती है और जिंदगी हमको कुछ सिखाती रहती है। इस वक्त एग्जामिनेशंस हैं आपके चल रहे हैं, तो पूरा पूरा ध्यान उसी में देना चाहिए। वही तुम्हारी कथा है, अभी वही तुम्हारी भागवत है, तुम्हारी जो टेक्स्ट बुक्स है वही तुम्हारी भगवत गीता है इस वक्त। तो भागवत, भगवत गीता, रामायण इत्यादि पढ़ते हैं, उसी निष्ठा से हम अभ्यास करें, तनाव से मुक्त हो करके, और यदि हो सके तो एंजॉय योर एग्जामिनेशंस। देखो परीक्षा ये सब कुछ नहीं होती है, बिल्कुल इसका मतलब पूरी गंभीरता से ही लेना है परीक्षाओं को, और हमें अच्छे अंक प्राप्त करने की निश्चित रूप से चेष्टा करना चाहिए, लेकिन ये कोई अचानक से होने वाला नहीं है। उसके लिए हमें वर्ष पर्यंत अपने अभ्यास में बहुत नियमित रहना चाहिए। खेलते समय खेलो, पढ़ते समय पढ़ो, और पढ़ो तो भी बोझ समझ करके मत पढ़ो। स्कूल कॉलेज में जाओ तो एंजॉय करो सब्जेक्ट को, प्रश्न पूछो गुरुजनों से। और फिर हमारे गुरुजी थे तो जो भी कुछ पढ़ाते तो पहले कहते हैं कि भाई कल मैं ये वाला प्रकरण पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग पढ़ कर के आना। और फिर जब पढ़ाते थे तो कहते थे कि पूरी तन्मयता से सुनो, और इतना बढ़िया से पढ़ाते थे कि हमारा मन इधर उधर जाता ही नहीं था। फिर पूछते थे कि अब कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछो, और वो सब हो जाता था। उसके बाद में गुरुजी कहते थे कि अब घर पर जाकर के एक बार ये पूरा पाठ पढ़ लेना। तो इतना पक्का हो जाता था कि एग्जामिनेशन के समय में तो एक बार केवल रिविजन करने की ही आवश्यकता पड़ती थी और हम अच्छे अंक से पास हो जाते थे। तो बिल्कुल तनाव रहित होकर के आप अपने एग्जाम्स दें। यदि कुछ गलतियां हो जाती, अब की बार एग्जाम्स अच्छे नहीं गए, तो जो अभी बात मैंने कही है उसको ध्यान में रखते हुए आगे वाला अभ्यास फिर करें, फिर से एग्जामिनेशंस के लिए अपने आप को तैयार करें। कुल मिलाकर बात इतनी है कि पढ़ाई को एंजॉय करो, वो बोझ नहीं लगना चाहिए और उससे डर भी नहीं लगना चाहिए। तो सहज रूप से आप अपनी परीक्षाएं दे सकते हो। मेरी फिर से एक बार शुभकामना, बहुत अच्छा आप लोग प्रदर्शन करेंगे ऐसा विश्वास है। पूज्य भाई जी प्रणाम। वैसे तो आधे घंटे का ही समय पूज्य भाई जी ने हम सभी साधक भाई बहनों को दिया था, लेकिन हम सभी साधकों के इतने सारे प्रश्न और सभी की जिज्ञासाएं आ रही है कि हम यदि आज्ञा हो तो थोड़ा समय। और वैसे तो पूज्य भाई श्री दो तीन दिन से लगातार प्रवास में और यात्रा में रहे, दिल्ली, वृंदावन इत्यादि, पर एक दो प्रश्न यदि पूज्य भाई श्री की आज्ञा हो। वैसे पूज्य भाई श्री ये कहते हैं कि सूर्योदय से पहले ही जागना चाहिए और उस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, तो वो ब्रह्म मुहूर्त क्या है और उस समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जागकर एक साधक को साधक के रूप में क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए या यज्ञ करना चाहिए? और ध्यान करना चाहिए यदि तो ध्यान कैसे करें, ध्यान कैसे लगाए? यह सृष्टि जो है एक रिदम में चल रही है, उसका एक लय है। हमारा शरीर भी सृष्टि की ही एक इकाई है, शरीर का भी एक लय है। ठीक समय पर भूख लगती है, ठीक समय पर नींद आती है,
यदि शरीर की उस मांग को हमने ठीक ठीक से समझा और उसी समय पूरा किया कि जब भूख लगी तो 100 काम छोड़ करके भोजन के लिए बैठ गए, शतम विहाय भोक्तव्यम, और फिर जब नींद आने लगी तो सिवाय की बहुत ज़्यादा अनिवार्यता हो हम बाकी सब कुछ छोड़ करके शयन के लिए चले गए, रात्रि का द्वितीय और तृतीय प्रहर शरीर को जितना आराम देता है, उस समय की नींद जितना आराम देती है, आप दिन में फिर सो लो लेकिन वो वाला आराम नहीं मिलेगा। आप पंछियों के भी बिहेवियर को देखो, संध्या होते होते ही तुरंत अपने घरौंदों में वापस लौट आएंगे, संध्या समय में उसके गीत सुनाई पड़ेंगे पेड़ों पर, और जैसे ही रात उतर आई सब शांत सब चुप सो जाते हैं, और भोर सुबह फिर वही चहचहाट वही संगीत, तुरंत जाग जाते हैं, उठते हैं, चारा चुगने के लिए चले जाते हैं या अपना घरौंदा बनाने के काम में लग जाते हैं। तो बहुत अच्छे से कुदरती जीवन जी रहे हैं पंछी। तो यदि रात्रि के पहले प्रहर तक अपने सारे काम निपटा के फिर सो जाए हम दूसरा और तीसरा प्रहर, और फिर जाग जाए यदि चौथे प्रहर में, रात रहे जाहरे पाछली खट घड़ी साधु पुरुष ने सुई न रेवू, नरसिंह मेहता कहता है ऐसा। तो वही जो भोर सुबह वाला समय है 4:30 के बाद वाला, वो ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। उसको ब्राह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय शरीर की और मन की स्थिति ऐसी है होती है कि हम परब्रह्म में अपने को स्वाभाविक रूप से लगा सकते हैं। देखो, रात्रि में निद्रा बिना तमोगुण के नहीं आएगी, बिना तमोगुण के आदमी सो नहीं सकता और बिना रजोगुण के आदमी कर्म नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि दिन में रजोगुण का प्रभाव होता है ज़्यादा, तब हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं और रजोगुण के चलते काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सारी वृत्तियाँ, ये सारे भाव, जैसे बाजार में हम सिक्के लेकर के जाते हैं जेब में, उसी तरह से ये सारे भाव लेकर के हम कर्म करते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, ये काम क्रोध रजोगुण से उत्पन्न है। रजसो लोभ एवच, गीता में कहते हैं भगवान, तो लोभ भी रजोगुण से ही होता है। तो इन सब के रजोगुण से उत्पन्न इन सब के चलते हम सारे कर्म करते हैं, और उन तीनों का सदुपयोग भी हो सकता है, काम क्रोध लोभ का। क्रोध करें अपनी कमजोरियों पर, नहीं तो क्या होता है, क्रोध ही कमजोरी बन जाता है। लोभ करें तो जितना हो सके, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब, इस तरह से आज नो लावो लीजिए रे काल खोने दी ठीक है, वो भी एक लोभ है कि ये पल हमारे हाथ में है, उसका जितना हो सके हम सदुपयोग करें। अभी हम हैं, बुढ़ापे में भगवान भजेंगे तो कल किसने देखी है। और लोभ इस तरह का करें, कामना को भी परमात्मा से जोड़े। तुलसीदास जी ने भी कहा, काम ही नारी पियारी जिमि, लोभ ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। तो दिन में तो होता है रजोगुण का प्रभाव, रात्रि के निद्रा में होता है तमोगुण का प्रभाव। तो ब्राह्म मुहूर्त में क्या होता है, बोले हम निद्रा से जागृत हो गए तो तमोगुण के प्रभाव से बाहर आ रहे हैं, और अभी हम कर्म में प्रवृत्त नहीं हुए तो रजोगुण अभी हम पर हावी हुआ नहीं, तो वो बीच वाला जो समय है वो सत्वगुण के प्रभाव का होता है।
इसलिए संध्या समय हमारे यहाँ महत्वपूर्ण माना गया। और ये सत्वगुण का प्रभाव जब होता है तो मन शांत होता है, और तब परमात्मा में मन को लगाना सरल भी होता है और बड़ा आनंददायक होता है ब्रह्म मुहूर्त का वो ध्यान। लेकिन उसके लिए एक बात है कि आपको सोना भी जल्दी पड़ेगा। आजकल हुआ ये कि हम बहुत लेट सोते हैं और उसके चलते फिर शरीर को आराम की भी उतनी ज़रूरत पड़ती है। यदि हम जीवन शैली ऐसी बना सके, और मैंने देखा है कई लोगों की, कई बुज़ुर्गों की, कई महापुरुषों की जीवन शैली ऐसी है कि 9 बजते तो 9:30 को शयन के लिए चले जाते हैं और फिर 4:30 बजे वे जागृत हो जाते हैं, वो ब्रह्मचिंतन में लग जाते हैं, और दोपहर में यदि ज़रूरत पड़ी तो आधा घंटा एक घंटा वाम कुक्षी कर लिया तो शरीर को पूरा आवश्यक जो आराम है वो भी मिल जाता है और ब्रह्म मुहूर्त का तब लाभ में मिल सकता है। अच्छा, सुबह सुबह उठ करके बाहर जाना, ओजोन का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है उस समय, वॉकिंग करना, फेफड़ों में ओजोन को भरना, तो वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी कितना लाभप्रद है, ये तो हमारे डॉक्टर्स जो हैं, योगी हैं, वे सिखाते ही हैं। लेकिन उसके लिए शरीर के जो रिदम हैं उसको हम ठीक से मेंटेन करें, ये बहुत ज़रूरी है। रोग क्या है? शरीर की ये रिदम टूटे, शरीर का लय टूटे, वही रोग है। तो इस रिदम को, इस लय को हम बनाए रखें तो ब्रह्म मुहूर्त का जो सबसे उपयुक्त समय है भजन के लिए हम लाभ ले सकते हैं। पूज्य भाईशी, वैसे तो सारे अध्यात्म से जुड़े हुए ही प्रश्न हम यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न हम थोड़ा सांसारिक प्रश्न है, तो यदि आज्ञा हो तो हम पूछें। जैसे आजकल हम देखते हैं कि लाखों रुपए खर्च करके शादियां होती है, लेकिन कुछ ही समय में हम देखते हैं कि 5 महीना 6 महीना हुआ नहीं कि शादियां टूट जाती है। तो ये टूटती बिखरती हुई शादियों को कैसे, उसको रोका जा सकता है? क्योंकि उससे पूरे एक कुटुंब की व्यवस्था खराब हो रही है, एक समाज की व्यवस्था खराब हो रही है। तो पति और पत्नी के बीच में किस तरीके से ऐसा सदव्यवहार हो कि वो शादियां चले और दोनों में प्रेम बना रहे और कुटुंब की जो एक व्याख्या है संयुक्त कुटुंब की वो ना टूटे, तो उसका एक उत्तर। शादी में हाथ मिलते हैं, दिल नहीं मिलते, तब ऐसा होता है। कहते मैं अपना हृदय तुम्हें दे रहा हूं, पति कहता है। और जब दोनों के हृदय एक हो जाते हैं तब 1+1=1 बन करके दोनों रहते हैं। ये एक बन करके रहना, यही ईश्वर की सच्ची उपासना है। पति पत्नी दोनों गृहस्थाश्रम में इसलिए प्रवेश करते हैं कि वो एक जो है, एकम एव अद्वितीयम, उस ईश्वर की उपासना करें। और उस ईश्वर की उपासना होती है एक बनने से। तो हर घटना को यदि पति और पत्नी अपनी आंख से देखने के स्थान पर उसकी आंख से देखे, कुछ भी रिएक्शन देने से पहले उस घटना को सामने वाले की आंख से देखे, पति पत्नी की आंख से देखे, पत्नी पति की आंख से देखे, थोड़ा सोचे, थोड़ा चिंतन करें, तो समझ डेवलप हो सकती है। एजुकेशन बढ़ रहा है, बहुत जरूरी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा अच्छा है। और आजकल भगवान की दया ऐसी है कि बेटियां ही ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ रही हैं, विश्वविद्यालयों में बेटियां ही पढ़ाई में आगे हैं, लड़कों से आगे हैं लड़कियां, अच्छी बात है। लेकिन चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों,
पढ़ाई तो अच्छी हो, बहुत पढ़ें, लेकिन समझ यदि डेवलप ना हो, समझ का विकास ना हो, तो वो कैसी शिक्षा है? जहां एक समझदारी है, जहां एक मैच्योरिटी है, जहां थोड़ी सहने की तैयारी है, जहां थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने की तैयारी है, थोड़े समर्पण की भावना है, तो वहां निश्चित रूप से 1+1=1 बन करके दोनों रह सकते हैं। प्रेम के अभाव में क्या होता है कि व्यक्ति अपने ही सुख का चिंतन करता है और अपने ही स्वार्थ की पूर्ति में लगा रहता है, और उसके चलते खटास आती है संबंधों में। कि जैसे कई बार कथाओं में भी वो गीत गाया है ना, बड़ा बड़ा दिल को छूने वाला है, कि द्वार और देहरी को एक साथ रहना है, लेकिन अब द्वार से उकता गया है देहरी का मन, द्वार से उकता गया है देहरी का मन, और अब बहुत नाराज है कलाई से कंगन। कंगन और कलाई को साथ साथ रहना है, लेकिन कलाई से नाराज होकर के कंगन वहीं पर रहे, उसका बंधन हो जाए। द्वार और देहरी उकता गया हो मन, फिर भी एक के दूसरे के साथ धर्म ने, समाज ने, कानून ने जोड़ दिया है, इसलिए साथ रहना एक बाध्यता हो जाए, फिर संबंध ढोने पड़ते हैं। संबंध तो फूल की तरह खिलने चाहिए। हमारे पुराने जमाने में कुछ बातें अच्छी भी थी, हमारे बड़े जिस तरह से शादियां नक्की कर देते थे और विवाह के बाद प्रेम होता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सुख का चिंतन करते थे, उसके सुख में मेरा सुख, ये बात थी, तत् सुखे सुखित्वम। और जैसा कि आपने पूछा है, निवेदन किया है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके शादियां होती है, डेस्टिनेशन वेडिंग्स की भी आजकल बहुत बोलबाला है, और फिर कुछ ही समय में मन उठ जाता है तो टिकती नहीं है शादियां। धैर्य का अभाव नहीं लगता? ये थोड़े समय साथ तो रहो, एक दूसरे को समझने की चेष्टा तो करो। जब तक शादियों में फ्रेंडशिप मजबूत नहीं होती पति और पत्नी में, तब तक शादी टिकना मुश्किल है। और फ्रेंडशिप मजबूत तब होती है जब आप एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे के साथ रहना जरूरी है। आप किसी को तभी समझ सकते हो जब आप उसके साथ रहो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे को थोड़ा स्पेस भी दो। कभी कभी क्या करते हैं हम कि प्रेम में कुछ संबंधों में हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं कि वो तो पत्नी है, उसको ये करना चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पत्नी को लगता है कि वो पति है, उसको ये करना चाहिए, उसका कर्तव्य है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक बात याद रख लो, ये मंत्र की तरह याद रख लो, दूसरे के कर्तव्य को अपना अधिकार समझ लेना ये बहुत बड़ी गलती है। वो उसका कर्तव्य है लेकिन वो तुम्हारा अधिकार नहीं है। पत्नी का पति के प्रति जो कर्तव्य है उसको पति अपना अधिकार समझ ले, या तो परिवार अपना अधिकार समझ ले, या तो पति का जो कर्तव्य है उसको पत्नी अपना अधिकार समझ ले, तो संबंधों में गड़बड़ी की शुरुआत वहीं से होती है। इसलिए सामने वाले के कर्तव्य को अपना अधिकार मत समझो,
और जहाँ प्रेम है वहाँ अपने अधिकार का त्याग और सामने वाले के अधिकार की रक्षा होती है, और उसी भावना के खेत में प्रेम पलता है, पगता है। अपने अधिकार का त्याग और सामने वाले के अधिकार की रक्षा। और याद रखो, तुम दूसरों से जीत सकते हो, अपनों से तुम जीत नहीं सकते। और अपनों से जीतना है तो उसका एक ही उपाय है, हार करके ही जीत सकते हो, क्योंकि प्रेम में पराजय ही विजय है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने ईगो का उपद्रव, अपने अहंकार का उपद्रव, अपने ही सुख की चिंता, अपना ही स्वार्थ, धैर्य का अभाव और सामने वाले के कर्तव्य को अपना अधिकार समझने की भूल, बहुत बड़ी भूल, इन सब के चलते संबंध में खटास आती है। हम धैर्यपूर्वक साथ रहें, एक दूसरे को समझें, टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, अगले को भी अपना स्पेस दें और धीरे धीरे एक दूसरे को समझने की चेष्टा करें, धैर्य रखें, प्रेम पलेगा, पगेगा। शिक्षा का यही अर्थ मैं कामना करता हूं कि शिक्षा के साथ साथ समझदारी का भी हम लोगों के जीवन में विकास हो। हमारे यहाँ तो जो सात फेरे लिए जाते हैं वो जन्म जन्म के लिए लिए जाते हैं। थोड़ा जतू करवानी भावना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा प्यार, थोड़ा समर्पण, थोड़ा धैर्य, थोड़ी सहिष्णुता, ये सब मिला करके हमारे जीवन को मधुर बना सकते हैं। जीवन जीने की राह हमें पूज्य भाई श्री के माध्यम से प्राप्त हो रही है, और अब हम आज के इस प्रश्नोत्तरी के रात्रि सत्र को यहाँ पर विराम देंगे। पूज्य भाई श्री के हम बहुत बहुत आभारी हैं। वैसे तो आधे घंटे का ही समय दिया था, लेकिन पूरा करीब करीब एक घंटा हमने पूज्य भाई श्री से लिया। हाँ, क्योंकि थोड़े श्रमित भी हैं, और नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल से फिर जब आगे वाली कथा में इस तरह से अवसर मिलेगा, जरूर आप सभी से रूबरू होने का प्रयत्न करूंगा। और ये अच्छा है, ये इंटरेक्शन होता है, आप प्यार से प्रश्न पूछिए। सब कुछ मुझे आता है ऐसा तो दावा है नहीं, हकीकत में कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन शास्त्र कृपा से, सदगुरु कृपा से, सरस्वती कृपा से जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, या भीतर से परमात्मा जो प्रेरणा देता है, तदनुसार आपके साथ रहकर, क्योंकि आपका भाई हूँ, आप लोग प्यार से भाई श्री कहते हैं, तो आपका मार्गदर्शन करने की चेष्टा कर रहा हूँ और इस तरह से करता रहूँगा। हम मिलते रहेंगे। बहुत बहुत सबके प्यार, सबका मंगल हो, सबका भला हो। एक बात और, होली उत्सव समीप है, आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामना। अब की बार भावनाओं के रंगों से ही खेलिएगा। सांदीपनी में भी होली उत्सव को हमने रद्द कर दिया, कोरोना वायरस के चलते पूरा विश्व आज चिंता में है, और थोड़े समय की बात है, जैसे ही हमारे खास करके भारत में तो गर्मी के दिन शुरू हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो फिर उसमें वो वायरस ज़्यादा लंबा टिक नहीं पाएगा। लेकिन तब तक हमें सावधानी तो बरतनी है। जो जो सरकार ने विभिन्न माध्यमों से सूचनाएं दे रखी हैं, हम उन सूचनाओं का पालन करें, अपने आप को भी बचाएं उस वायरस से, उस रोग से, औरों को भी बचाएं, और हो सके तो अब की बार धुलेटी का वो जो पर्व है उसको स्वयं से प्यार करो, अपने घर पर ही एक दूसरे का अभिनंदन कर लो। मैं भी यहीं से आप सबको होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। सभी के जीवन में रंग उमंग भरपूर हो, और आप
सदा उत्साह से प्रेम से भरे रहें और निरंतर श्री कृष्ण के साथ खेलते रहें। सबका मंगल हो। हरिओम। पूज्य भाई श्री ने हम सभी को होली की बधाई दी और कोरोना वायरस से बचने के लिए भी कहा। पूज्य भाई श्री पूरी सावधानी बरतेंगे हम सभी। एक तरफ कोरोना वायरस है और एक तरफ आपके सानिध्य में कृष्ण रस भी है, तो कृष्ण रस ही हमें कोरोना वायरस से बचाए रखे। पूज्य भाई श्री आज श्रमित होते हुए भी, क्योंकि मुंबई कथा को विराम देकर लगातार 3 दिन तक दिल्ली और वृंदावन प्रवास और वहाँ भी धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में पूज्य भाई श्री उपस्थित रहे और आज भी यहाँ गुजरात में राजकोट में पधारे और 2 शैक्षणिक संस्थाओं में पूज्य भाई श्री ने आज अपने आशीर्वाद दिए और अभी इस समय रात्रि में पूज्य भाई श्री ने हम सभी को समय दिया। हम सभी बड़े ही अनुग्रहित है। हम सभी साधक कहना चाहेंगे, जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, उनको ब्रज के कुंज गलिन में कंटक पथ पर चलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। इन पंक्तियों को पूज्य भाई श्री के चरणों में समर्पित करते हुए एक छोटी सी हम आज्ञा भी लेना चाहते हैं। पूज्य भाई श्री बार बार सभी साधक पूछते रहते हैं कि अब फिर आगा आने वाले दिनों में कब प्रश्नोत्तरी होंगी, तो यदि पूज्य भाई श्री आप आज्ञा दे तो अभी ग्वालियर में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है दिनांक 1 अप्रैल से 8 अप्रैल और हमारी प्रार्थना है 5वें दिन कृष्ण प्रागट्य होता है, तो कथा के 4थे दिन 4 अप्रैल को यदि आज्ञा हो तो संभावित तारीख यदि ठीक है 4 तारीख को फिर हम सभी साधक भाई बहन पुनः 4 अप्रैल को पूज्य भाई श्री से भेंट करेंगे, साक्षात्कार करेंगे, पूज्य भाई श्री से मिलेंगे, अपनी जिज्ञासाएं पूज्य भाई श्री के चरणों में रखेंगे। सभी को जय श्री कृष्णा। सभी की ओर से पूज्य भाई श्री के श्री चरणों में प्रणाम और हम 4 तारीख को मिलेंगे। शुभ नक्तम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम तन्मे।